डोसा बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा। वाओ, बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन है ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉट एंड स्वीट रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं एक और आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आई हूँ। द इंडस वैली का डोसा तवा है ये, कास्ट आयरन का। फ्रेंड्स, मैं आगे आपको बहुत सारे कंपैरिजंस बताने वाली हूँ कि नॉन स्टिक और इस कास्ट आयरन में क्या डिफरेंसेज हैं और क्यों आपको नहीं यूज़ करने चाहिए नॉन स्टिक। तो यहाँ पर ये जो इंडस वैली का डोसा तवा है, इसके अंदर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होंगे कि किस तरह से आप पहली बार यूज़ कर सकते हो इसको, किस तरह से आपको कुकिंग करनी है पहली बार इसमें, और किस तरह से आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, सारा कुछ आपको इसके साथ ही मिल जाना है। फिर भी मैं आपको सारा कुछ एक एक करके बता भी दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लिया है और लुक वाइज ये मुझे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगा है। डायमीटर जो है इसका है वो 10.8 इंचेस का है। इसमें आपको चारों साइड बॉर्डर देखने को मिलेगा जिससे ऑयल या फिर पानी वगैरह जो है वो फ्लो आउट ना हो। वेट भी इसका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, 2.5 केजी है जस्ट। और थिकनेस भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, थिकनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है डोसा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीजनिंग। सीजनिंग सुनने में कुछ बहुत बड़ा सा लगता है बट बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। यहाँ पर मैंने माइल्ड सा डिटर्जेंट लिया है और गर्म पानी के साथ मैंने इस तवा को रब किया है अच्छे से। फ्रेंड्स, अगर पैन या फिर कढ़ाई होती तो मैं उसमें गर्म पानी कर लेती थोड़े टाइम के लिए ताकि गंदगी जो है वो थोड़ी फूल जाए, लेकिन तवा था, तवा में पानी अच्छे से रुकता नहीं, इसलिए मैंने गर्म पानी के साथ इसको वॉश कर लिया है। और आप देख सकते हो कि कितनी सारी गंदगी इससे निकली है। तो ये स्टेप करना आपके लिए एकदम से कंपलसरी ही है और अच्छे से आपको रब भी करना है जैसे कि मैंने रब किया है। तो ये अच्छे से वॉश हो चुका है फ्रेंड्स, और अब हम इसको किसी टॉवल वगैरह से पोछेंगे नहीं बल्कि इसको यूं ही आप सूखने दो, या फिर आप इसको डायरेक्टली फ्लेम पर भी रख सकते हो। आप देखो कितना शाइनी है और जो इसका टॉप लेयर है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मुझे द इंडस वैली का जो ये वाला तवा है ना, मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका टॉप लेयर बहुत स्मूथ है। अब मैंने इसको रख दिया है फ्लेम पर और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। थोड़ा जब ये गर्म हो जाता है, जब इसका मॉइस्चर अच्छे से सूख जाए, इसके बाद हम कोई सा भी कुकिंग ऑयल लेंगे, और या फिर आप कुकिंग ऑयल नहीं लेना चाहते हो तो घी का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको इस तरह से हाफ कट ऑनियन लेना है, प्याज को आधा काट के ले लेना है और अच्छे से इसको रब करना है। इसमें थोड़ा आप टाइम दीजिएगा, मतलब 5 से 10 मिनट तक आपको इसमें रब करना है, और फिर थोड़ी देर के लिए और इसको आपको फ्लेम पर छोड़ देना है। जब हल्का सा आपको धुआं उठने सा दिखने लगे ना, उसके बाद आप क्या करो, कोई टिश्यू पेपर ले लो, जैसे कि मैंने ये टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। लेकिन अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई भी कॉटन कपड़ा ले सकते हो जिसमें सिंथेटिक मिक्स ना हो, वैसा कपड़ा लेकर के आप इसको अच्छे से पोंछ लो। पोंछने के बाद ये आपका सीजन होकर तैयार हो गया है। अब चूंकि मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ तो मैं इसके बैक साइड में ऑयल नहीं लगा रही, लेकिन अगर आपको यूज़ नहीं करना है, उसको स्टोर करना है, तो आप इसके बैक साइड में भी ऑयल लगा लेना ताकि रस्ट वगैरह ना लगे। अब चलते हैं फर्स्ट यूज़ की तरफ। जब भी आप इसको पहली बार यूज़ करो ना फ्रेंड्स, जब भी यूज़ करो तो यूज़ करने से पहले आपको इस तरह से अनियन से रब करना है। उसके बाद डोसा बनाने के लिए टॉप लेयर को ठंडा किया जाता है, तो मैंने थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया है और मैं इस पर बना रही हूँ उत्तपम। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फर्स्ट डिफरेंस आपको बताती हूँ कि इस वाले तवे में आपको मिलेगा एकदम इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो सेंटर में हीट रहेगा वही साइड में भी मैक्स टू मैक्स रहेगा। लेकिन नॉनस्टिक में ये चीज़ नहीं होने वाला है, नॉनस्टिक पैन में। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये इतना ईजिली उत्तपम निकल कर आ गया, बिल्कुल ये तवा नॉनस्टिक की तरह काम कर रहा है। जब आपको इतने कम दाम में इतना अच्छा डोसा तवा मिल रहा है तो फिर आप नॉनस्टिक पे क्यों पैसा वेस्ट करना चाहते हो। इसके बाद मैं डोसा बनाने की बात कर लेती हूँ। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होता है बहुत ज़्यादा गर्म तवा, और आप नॉनस्टिक को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें नॉनस्टिक की लेयरिंग कोटिंग होती है जो कि ज़्यादा गर्म होने के बाद हमारे खाने में डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कास्ट आयरन तवा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोटिंग, कोई लेयरिंग नहीं होती है। जितना चाहे गर्म कर लो, बिल्कुल भी कुछ रिलीज़ नहीं होने वाला है आपके खाने को, कोई नुकसान, कोई केमिकल ऐड नहीं होने वाला है। तो ये सेकंड जो डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स, क्योंकि नॉनस्टिक से बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं जो कि हम क्यों अपने आप को बीमार करें भाई, ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। तो खैर, ये बात अलग है। तो देख सकते हो डोसा भी कितना परफेक्ट बना है। अब नॉनस्टिक की तरह जब ये आयरन का तवा काम कर रहा है तो हम नॉनस्टिक पे क्यों पैसा वेस्ट करें। तीसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स कि नॉनस्टिक आपको 2 से 3 साल बाद, आप जितने भी अच्छे क्वालिटी का नॉनस्टिक ले लो, बहुत मेंटेनेंस के बाद भी 3 से 4 साल चलेगा, उसके बाद वो ख़राब हो ही जाने हैं। लेकिन यही आप कास्ट आयरन का जब ये टवल होगे ना, तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको यूज़ करेगी, और जितना यूज़ होगा ये उतना ज़्यादा ये
नॉन स्टिकी होता जाएगा, और वहीं जो नॉन स्टिक तवा होता है जितना यूज़ होगा उतना ज़्यादा ख़राब होगा, उतनी ज़्यादा उसमें खाने में केमिकल डिज़ोल्व होने का डर रहेगा। तो आप इस पर बिल्कुल भी पैसा लगा सकते हो बिल्कुल भी डरे बिना, बहुत अच्छा तवा है ये, बस आपको यूज़ करने थोड़ा सा आना चाहिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं। हो सकता है कभी स्टिकी हो भी जाए, तो आप सीजनिंग के प्रोसेस को करो, टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, आपका तवा परफेक्टली काम करेगा। इन सारी चीज़ों के बाद मैंने सोचा आपको अंडा भी बनाकर दिखाई दे रहे, ताकि आप एकदम से कन्फर्म हो जाओ कि हाँ ये तवा परफेक्ट काम कर रहा है। डोसा ही ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी चीज़ इस पर बना सकते हो। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये डोसा तवा आप ले सकते हो, द इंडस वैली का ये डोसा तवा है। लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके और भी साइजेस अवेलेबल हैं, आपको जो साइज़ चाहिए वो ले सकते हो। लास्ट, अभी तक मैंने आपको बहुत सी बातें बताई, अब आप मुझे बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय।